हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बेबी पैंट कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक का पीस ले लिया है जिसकी लेंथ है 22 इंच एंड इसकी विड्थ है 20 इंच। अभी हमें इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। जो लेंथ में हमारा 22 इंच है उधर से हम फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह फोर फोल्ड कर देना है, और जो खुला हुआ हिस्सा है वो अपनी साइड रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड पे रख लिया है, और फोर फोल्ड पे रखने के बाद इसकी लेंथ आ जाएगी 11 इंचेस और इसकी विड्थ 10 इंचेस। अब हम यहाँ से लेंगे 2 इंच। 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। और स्ट्रेट हम लोग लेंगे 8 इंचेस। बॉटम के लिए हमने लिया है 6 इंचेस। अब हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरफ मैंने लिया है 2.5 इंचेस, जो कि हम क्रॉच एरिया के लिए ले रहे हैं। 8 इंच पे हमने जो मार्क किया था, अब हम वो लाइन मिला लेंगे और साइड से 2.5 इंच जैसे ऊपर लिया था। अब दोनों को मिलाने के बाद में हमें इसे कर्व शेप देना है। और हमने जो बॉटम लिया था 6 इंच का, उसके ऊपर हम 1-1 इंच की मार्जिन के लिए मार्क लगा देंगे, जो कि बाद में हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम यहां से इसे कट कर लेंगे। पहले हमें ये क्रॉच एरिया की तरफ से कट करना है, फिर उसके बाद हम ऊपर से इसे कट कर लेंगे। और यहां से बॉटम के पॉइंट को मिलाकर कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे हमारी बेबी पैंट की कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ओपन होने के बाद ये हमारे 2 पीसेस हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका स्टिचिंग मेथड। हमें फ्रंट टू फ्रंट फैब्रिक रखना है, सीधे पे सीधा फैब्रिक रखकर साइड से क्रॉच एरिया की तरफ से हमें इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे, और जो बॉटम में 1 इंच पे हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया था उसे फोल्ड करके एक नॉच लगा लेंगे। जब भी हम नॉचेस लगाकर स्टिचिंग करते हैं तो हमारी जो स्टिचिंग होती है वो बहुत परफेक्ट होती है, और हमारा जो गारमेंट बन के रेडी होता है उसकी स्टिचिंग में भी फिनिशिंग नज़र आती है। इसी तरीके की ईजी एंड हेल्पफुल स्टिचिंग वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ, सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हमें इसे कुछ इस तरीके से पहले बारीक फोल्ड करना है, और उसके बाद हम 1 इंच के ऊपर इसे फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले बॉटम को भी रेडी कर लेना है। और स्टिच होने के बाद हमारी ये बॉटम रेडी है। अब हम बेबी पैंट को कुछ इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर से क्रॉच एरिया को पिन लगा लिया है ताकि हमारी सिलाई जो है आगे पीछे ना हो, और अब हम इसे वी शेप के अंदर स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्रॉच एरिया के सेंटर से मैंने छोटा सा कट लगा लिया है ताकि जब हम इसे सीधा करें तब वो फिनिशिंग से पलट जाए। अगर आपके क्रॉच एरिया में ज़्यादा फैब्रिक अगर एक्स्ट्रा रहता है तो आप उसे थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी बेबी पैंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमें इसमें सिर्फ इलास्टिक लगाना बाकी है। यहाँ पे मैंने 1 इंच का इलास्टिक लिया है, 1 इंच की विड्थ वाला, 16 इंचेस उसकी लेंथ है इलास्टिक की। इसी तरीके से हमें इलास्टिक का मेजरमेंट लेके इसे फोल्ड कर देना है।
राउंड में पूरा स्टिच करना है। बस थोड़ी सी जगह हमें छोड़ना है ताकि हम वहाँ से इलास्टिक डाल सकें। इससे पहले मैंने बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमें बस थोड़ी सी जगह छोड़ना है इलास्टिक डालने के लिए और बाकी पूरा राउंड में इसे स्टिच कर लेना है। देखिए अभी मैंने यहाँ से इसे स्टिच कर लिया है। अब मैं इसमें पिन की मदद से इलास्टिक डालूँगी। मेरे चैनल पे बेबी ड्रेस एंड बेबी झबले की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो भी अपलोडेड है, सो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिए। लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में अवेलेबल है। सब्सक्राइब फॉर मोर इजी स्विंग ट्यूटोरियल्स एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आसान तरीके से स्टिचिंग कर सके। यहाँ पर इलास्टिक मैंने इसमें डाल दिया है पूरा और कुछ इस तरीके से हम इसे एक के ऊपर एक रखकर इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें इलास्टिक को स्टिच कर लेना है और जो थोड़ी सी जगह हमने छोड़ी थी वहाँ पर भी हम इसे पैक कर लेंगे और इलास्टिक को स्ट्रेच करके इसे सीधा कर लेंगे। इलास्टिक बीच से पलटे नहीं इसलिए हम इसके बीच में भी एक सिलाई लगाएंगे। इसे इस तरीके से रख कर इसे थोड़ा सा खींच कर इसके सेंटर में हमें सिलाई लगानी है ताकि जो हमारा इलास्टिक है वो पलट ना जाए। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारी बेबी पैंट बन के रेडी है। आप भी इस बेबी पैंट को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें एंड इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही इजी स्टिचिंग ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल इजी टू स्टिच को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।